दोस्तों हम आपको ले चल रहे हैं उज्जैन से 4 किलोमीटर दूर स्थित भर्तरी गुफा से थोड़ी ही दूर उत्तर पश्चिम में क्षिप्रा नदी के किनारे एक टीले पर बनी हुई श्री मत्स्येंद्रनाथ जी की समाधि पर, जो कि नागपंथ के एक महान आचार्य और बहुत ही बड़े योगी थे। ये बहुत ही प्राचीन जगह है और यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल की बहुत सी सामग्रियाँ भी प्राप्त हुई हैं। राजा भर्तरी, गोपीचंद, मत्स्येंद्रनाथ, इन सबके स्मारक उज्जैन में ये बतलाते हैं कि यहाँ पर नागपंथ का प्रचार बहुत पुराना है और नाग आचार्य को पीर भी कहा जाता है, इसलिए इस्लाम के मानने वालों के लिए भी यहाँ एक पुण्य स्थली है। मत्स्येंद्रनाथ की समाधि को पीर मत्स्येंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ नाग संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। स्कंद पुराण, नारद पुराण, शंकर दिग्विजय, ज्ञानेश्वर चरित्र आदि साहित्य में मत्स्येंद्रनाथ की कहानियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि इनका जन्म मछली के पेट से हुआ था, इसलिए इन्हें मत्स्यनाथ या मीननाथ या सिद्धिनाथ भी कहते हैं। और ये शिव के शिष्य थे और गोरखनाथ जी के गुरु थे। इनकी प्रसिद्ध योग रचना का नाम है मत्स्येंद्र संहिता। और नाथ संप्रदाय में संतों को पीर कहने के कारण ही मुसलमान भी इनको अपना संत मानते हैं, इसलिए हिंदू और मुसलमान दोनों समान रूप से स्थान की पूजा करते हैं। ये स्थल संभवतः मुगल काल में बनवाया गया था, क्योंकि नाथ संप्रदाय से जुड़ा हुआ है और मराठा काल में इसमें परिवर्तन किए गए थे और इसका जीर्णोद्धार किया गया था। और ये देखिए, यहाँ पर कुछ लोग ध्यान के लिए भी आए हुए हैं, क्योंकि ध्यान के लिए ये समाधि बहुत ही अनुकूल स्थान है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही शांत सुरम्य प्राकृतिक वातावरण होने के साथ साथ यहाँ पर एक अजीब सी गहरी प्राकृतिक एनर्जी या प्राकृतिक ऊर्जा भी यहाँ पर महसूस की जाती है ध्यानियों के द्वारा। ये कई ध्यानियों ने अपने यहाँ पे अनुभव सुनाए भी हैं कि उन्हें बहुत ही विशेष अनुभव यहाँ पर होते हैं, और कुछ लोगों से बाद में बात करने पर भी ये बात की पुष्टि होती है यहाँ पर। और ये देखिए, कोशिन मेडिटेशन ग्रुप के लोग यहाँ पर ध्यान कर रहे हैं, और क्योंकि सुबह का वक्त हो रहा है, करीबन 5:30 बज रहे हैं और ये लोग यहाँ पर ध्यान करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। और ये देखिए, छोटी सी जगह है लेकिन बहुत ही सुंदर, शांत और बहुत ही मन को प्रभावित करने वाली जगह है। एक बार जो व्यक्ति यहाँ पर आता है वो इस जगह को भूल नहीं पाता है, और उज्जैन के मस्ट सीन प्लेसेस में से ये एक है। ये देखिए स्वामी जी का, जो कि मत्स्येंद्रनाथ जी का यहाँ पे फोटो लगा हुआ है, जिनकी समाधि यहाँ पर है। और ये समाधि, और ये समाधि के बाहर का एक बार फिर आप दृश्य देखिए, यहाँ पे एक छोटा सा आश्रम है जिसमें कुछ साधु रहते हैं जो यहाँ पर व्यवस्था को संभालते हैं, और यहाँ पर अंदर एक धुनी भी जलती है। और हमें यहाँ पर ओशिन ग्रुप के एक साधक श्रीमती अंजना सिंह मैडम से बात करने का मौका मिला, आइए जानते हैं उनके विचार। प्रक्रिया में हम आज सुबह 4:30-5 बजे उठ करके यहाँ पर सुबह से ध्यान के लिए आए हैं। एक अनुभूति, एक अलग ही प्रकार की अनुभूति यहाँ पर हो रही है। लेकिन मैं ये बता दूं कि ये किसी संप्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है। एक्चुअली इनका जो विकास है यहाँ पर समाधि का, ये मुगल काल में हुआ था और मराठा काल में इसको जीर्णोद्धार कराया था, इसलिए यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग आते हैं। लेकिन हिंदू सोचते हैं ये हमारे स्थल है और मुस्लिम लोग सोचते हैं ये हमारा स्थल है, लेकिन किसी का भी स्थल नहीं होता है। समाधि और ध्यान का विषय एक ही होता है और वो होता है आत्मा से परमात्मा का मिलन। और वही यहाँ पर इस चीज की, मतलब इस वस्तु की सबसे खास जो अनमोल धरोहर है वो ध्यान ही है। और मैं आपको बता दूं कि प्राचीन जो हमारा उज्जैनी रहा है, तो ये बहुत ऐतिहासिक स्थल है। ये जब सेकंड अर्बनाइजेशन जो पीरियड आया था, जिसको आयरन अर्बनाइजेशन पीरियड कहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस पीर मच्छेंद्रनाथ की जो ये स्थल है, इसके पीछे से जो है क्षिप्रा नदी अपना टर्न लेती है। पहला तो जो है भर्तरी की गुफा से जो है राइट टर्न लेती है, और दूसरे प्रकार का मुड़ाव जो मतलब टर्निंग फेज है वो इसके पीछे है। और ये अर्बनाइजेशन काल, जब चंड प्रद्योत का काल आया था, तो यहाँ से जो है सबसे प्राचीन दुर्गीकरण या फोर्टिफिकेशन का हमको अवशेष यहाँ मिलता है। हम वापस से जो है पीर मच्छेंद्र के स्थल पर आते हैं, तो नो नाथ की परंपरा यहाँ पर बहुत सिद्ध परंपरा हुई है। नो शमशान, नो भैरव और नो सिद्धियाँ, नो शक्तिपीठ, नो दुर्गा, और इसी प्रकार से ये 9 जो चीज़ें होती हैं ये वैदिक काल में बहुत प्रसिद्ध हुई थी। और 9 चीज़ों का जो अंकगणित हुआ है प्राचीन ज्योतिर्विज्ञान में, ये बहुत चैतन्य है और बहुत सिद्ध है, और इसीलिए जो है यहाँ पर नौ नाथ की परंपरा हुई है। और यहाँ हम देखेंगे कि
जो पीर मच्छेंद्र नाथ जी हुए हैं ये नौ नाथ में से एक सिद्ध परंपरा है और उनका ये एक स्थल है और ये कहा जाता है कि गोरखनाथ के गुरु थे और बार बार यही कहा जाता है कि वो अलग जगह ने आते हैं कि जाग मच्छेंद्र गोरख आया, अर्थात कि आप जो है जिस प्रकार से भी हो आपको होशपूर्ण जीना है और उस चैतन्य में जीना है। और यहाँ पर जो है इनका ये परंपरा में कहा जाता है कि इन्होंने इस जगह पर बहुत ध्यान किया था और ये पूरी जो ऊर्जा है हमको यहाँ पर उसका एक अनुभव भी हुआ कि किस प्रकार से यहाँ पर एकदम वाइब्रेशंस वाली जगह है, बहुत सिद्ध जगह है। और इनका जन्म जो है, गोरखनाथ जी का जन्म जो है, ऐसा कहा जाता है कि मछली की के पेट से हुआ था, इसीलिए इनको जो है मच्छेंद्रनाथ कहते हैं, या और भी संस्कृत में कहा जाए तो इनको मत्स्येंद्र कहते हैं। पीर अर्थात जो है बहुत जो है पंडित हो जाते हैं या जो बहुत ही उच्च स्थल प्राप्त कर उच्च स्थान को जो है प्राप्त हो जाते हैं, इसलिए इनको पीर मत्स्येंद्रनाथ कहा जाता है। और इसी तरह से जो है ये नौनाथ की परंपरा यहाँ पर एक हमको अद्वैतवाद की परंपरा दिखती है कि ध्यान के द्वारा हम अपने आत्मा और परमात्मा का जो केंद्र है वो सम बोधि, अर्थात ये जब सम हो जाता है आत्मा और परमात्मा का जो तत्व जो सब सम हो जाता है तो उसको बोधि तत्व प्राप्त हो जाता है। इसीलिए आज ओशो का जो है हम संबोधि दिवस मना रहे हैं, सम बोधि अर्थात ओशो भी जो है आज ही के दिन 21 मार्च के दिन जो है। तो दोस्तों आपने सुना इनको कितना महत्व है इस स्थान का और उम्मीद है हमें आपको ये जानकारी बहुत पसंद आई होगी और आपसे फिर कभी मिलेंगे हम आपको, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।